हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में पत्ता गोभी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में बहुत से लोगों ने इस सब्जी से दूरी बना ली है, क्योंकि इसमें अक्सर एक ऐसा सूक्ष्म कीड़ा पाया जाता है जो शरीर में कहीं भी खाने के साथ पहुंच सकता है और तब ये गंभीर तौर पर बीमार कर देता है, और अगर ये दिमाग तक पहुंच जाए तो जीवन को खतरे में भी डाल देता है। आपने भी सुना होगा कि पत्ता गोभी में एक कीड़ा होता है और वो दिमाग में घुस जाता है। इसी डर से हजारों या उससे भी ज़्यादा लोग पत्ता गोभी खाना छोड़ चुके हैं। वो कीड़ा क्या है और दिमाग में कैसे घुस जाता है, चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत से। भारत में इस कीड़े को लेकर खतरे की घंटी करीब 20 से 25 साल पहले बजनी शुरू हुई, जब देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ मरीज सिर में तेज दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल तक पहुंचे। ऐसे में कई मामलों में मरीज को मिर्गी की तरह दौरे भी पड़ रहे थे। इनमें से बहुत से रोगी बच नहीं पाए, क्योंकि रोगियों के दिमाग में ये काफ़ी संख्या में पहुंच चुके थे। कुछ एक रोगी जिनकी जान बच गई, उन्होंने बाद में पत्ता गोभी खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जिन लोगों को ऐसे मामलों का पता चला, उन्होंने भी पत्ता गोभी से दूरी बनाने में ही भलाई समझी। रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की दुकानों में बर्गर और चाउमीन जैसी प्रचलित खाने पीनों की चीज़ों से लोग मुंह मोड़ने लगे। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने पत्ता गोभी की बजाय लेटस लीव्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो देखने में पत्ता गोभी जैसी होती है, लेकिन उसमें इस कीड़े का खतरा नहीं होता। कीड़े के डर से पत्ता गोभी जैसी पोषक सब्जी से दूरी बनाना लोगों की मजबूरी हो गई और लोगों में धारणा बन गई कि इसे खाना हानिकारक हो सकता है। एशियाई देशों की तुलना में यूरोपीय देशों में इसका खतरा काफ़ी कम है। इस कीड़े के संक्रमण के मामले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों के रखरखाव के तरीकों में अंतर के कारण भारत में इसके संक्रमण के मामले कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। पत्ता गोभी में निकलने वाले इस कीड़े को टेप वॉर्म यानी फीता कृमि भी कहा जाता है। ये कीड़ा आंतों में जाने के बाद ब्लड फ्लो के साथ शरीर के अन्य हिस्सों और मस्तिष्क में पहुंच सकता है। ये बहुत छोटा होता है, जो कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सब्जी उबालने और अच्छी तरह पकाने से मर सकता है। ये कीड़ा जानवरों के मल में भी पाया जाता है। टेप वॉर्म बारिश के पानी या किसी और वजह से ज़मीन में पहुंचता है और कच्ची सब्जियों के ज़रिए हम तक पहुंच जाता है। पेट में पहुंचने के बाद ये कीड़ा सबसे पहले आंतों और फिर ब्लड फ्लो के साथ नसों के ज़रिए दिमाग तक पहुंचता है। इसका लार्वा दिमाग को गंभीर चोट पहुंचा देता है। टेपवॉर्म से होने वाले इन्फेक्शन टेनिएसिस कहलाते हैं। शरीर में जाने के बाद ये कीड़ा अंडे देता है, जिससे शरीर के अंदर जख्म बनने लगते हैं। ये लीवर में पहुंचकर सिस्ट बनाता है, जिससे पस पड़ जाती है, और ये आँखों में भी आ सकता है। ये कीड़े हमारे पेट के आहार को ही अपना भोजन बनाते हैं, और ये जिस व्यक्ति के दिमाग में पहुंचते हैं उसे दौरे पड़ने लगते हैं। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन सिर दर्द, थकान, विटामिन की कमी होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दिमाग में अंडों का प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहा जाता है कि दिमाग में कोई बाहरी चीज़ आ जाए तो उससे दिमाग का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है। एक टेप वॉर्म की लंबाई 3.5 से 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक हो सकती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर वो दवाएं दी जाती हैं जिससे ये मर जाए, या फिर सर्जरी भी की जा सकती है।
कीड़े से बचने के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन चीज़ों में ये कीड़ा पाया जाता है वो सब्जियाँ अदबकी खाने से टेपवर्म पेट में पहुँचते हैं। पत्ता गोभी, पालक और अन्य सब्जियों के सेवन में सावधानी बरतने के साथ साथ व्यक्तिगत साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी है। खाना खाने या बनाने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोना ना भूलें, नाखूनों को काट कर रखें, साफ सुथरे बर्तनों में खाना खाएं, टॉयलेट से आकर अच्छे से हाथ धोएं, कहीं बाहर जाते समय दूषित पानी ना पिएं और हो सके तो अपना पीने का पानी साथ ले जाएं। अब बात करते हैं इसके इलाज क्या क्या हैं। टेपवर्म का इलाज और अवधि इसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। मल एवं खून के नमूने से इसकी मौजूदगी का पता चलता है। विभिन्न मामलों में दवा के इलाज के साथ साथ कुछ मामलों में सर्जरी भी की जाती है। वैसे आमतौर पर टेपवर्म का इलाज दवाइयों द्वारा ही किया जाता है जो इस कीड़े को मारती हैं या इसे मल द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं, जबकि सिस्ट को ख़त्म करने के लिए कई अन्य परीक्षण, दवाएं और शल्य चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी इस कीड़े से जुड़ी जानकारी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।